हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। यह ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी हो रहे हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या जो भी दूर की जा रही परेशानियाँ, आम लोगों को कैसे राहत दी जा रही है, सबों की जानकारी के लिए फ्रेंड्स करंट अफेयर जो है हर किसी को पढ़नी चाहिए। देश दुनिया में करंट अफेयर जो बनता है ये फ्रेंड्स देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हो रही है उसी से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लगाने सके। कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, आप अपना प्यार यहीं बनाए रखें। फ्रेंड्स, आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है जिससे कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट ऑफिशियली न्यूज़ प्रोवाइड करा सके, कोई भी रॉन्गली न्यूज़ नहीं, यही हमारी कोशिश रहती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। डेली करंट अफेयर्स बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है। अब बात आती है इसरो, तो इसरो के जो है निदेशक कौन है, के सिवान है, और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। 1969 इसकी स्थापना की गई थी। इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसरो से, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारत और अमेरिका ने MNC द्वारा कर चोरी की जांच कराने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। भारत और अफ्रीकी संघ ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मलयालम लेखिका और कवि अस्मिता का हाल ही में निधन हो गया है।
जो कि 63 वर्ष के थे, और इनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो ये मलयालम लेखिका थी और कवि थी असीता। हाट गाथा पुरस्कार से 2000 में सम्मानित किए गए थे। पदराजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकार द्वारा 5042 करोड़ रुपये का निवेश किया गया फ्रेंड्स। देना बैंक और विजया बैंक के विलय के बाद 1 अप्रैल से जो है एक ही बैंक रहेगा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके सारे जितने भी शेयर वगैरह थे, जितने भी सभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन एड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है BCCI के लोकसभा न्यायमूर्ति DK जैन एड हॉक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार, ये देखिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड रिपोर्ट एयर सिंगापुर के प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र का ताज बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 59वें स्थान पर है। पिछले साल यह 66वें स्थान पर था, 66। नेक्स्ट वेस्लिन मोटी को हाल ही में भारत के बास्केटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वेस्लिन मोटी को भारत के बास्केटबॉल के रूप कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। डिजिटल इनोवेशन के लिए इन्फोसिस ने रोलैंड गैरोस के साथ गठबंधन किया है फ्रेंड, डिजिटल इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान विकसित करने के लिए समझौता की ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है बड़ौदा किसान। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो PS जय कुमार जो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं, और बड़ौदा का जो मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में है, वहाँ पे है PS जय कुमार इसके MD और CEO हैं। बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो फ्रेंड्स ये 28 और 29 तक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर से फ्रेंड रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। के सिवान उसके हेड हैं।
बेंगलुरु मुख्यालय 1969 में स्थापना हुई थी। भारत और अमेरिका ने एमएनसी द्वारा कर चोरी की जांच के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अफ्रीकी संघ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मलयालम लेखिका और कवि असिता का हाल ही में निधन हो गया, जो 63 वर्ष के थे। अशोक के पुरस्कार सम्मानित किए गए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकार द्वारा 5,042 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो CEO हैं MD है PS जयकुमार हैं, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन एंड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BCCI के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन 2018 में 66 थे। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट के अनुसार सिंगापुर के चांगी, ये देखिए चांगी हवाई अड्डा को लगातार 7वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमान केंद्र का ताज बना गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 59वें स्थान पर, जबकि पिछले साल ये 66वें स्थान पर था। वेस्लिन मोटी को भारत के बास्केटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। डिजिटल इनोवेशन के लिए इंफोसिस ने रोलैंड गैरोस के साथ गठबंधन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म बड़ौदा किसान विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।